हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मैं यहाँ पे 7:30 में आई थी। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरा एक ब्लड टेस्ट तो हो गया है, अभी कुछ और टेस्ट हैं जो अभी होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ बस। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी कुछ भी खा भी नहीं सकती, जस्ट ऐसे ही बैठे टाइम पास कर रही हूँ। आज मॉर्निंग 7:30 में मैं गई थी ब्लड टेस्ट के लिए, तो मुझे वहाँ 3 घंटे तक रुकना पड़ा। आज मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जिस टेस्ट के लिए मैं गई थी उसके लिए मुझे 3 घंटे रुकना ही था। तो उसके बाद घर आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी बाकी का जो अपना काम है मैंने वो किया। और उस टाइम एक क्लीनर भी आता है, तो वो भी आया हुआ था, तो बाकी की चीज़ें मैंने देखी। और आज जिस टाइम में मैं गई थी मॉर्निंग में, उस टाइम में हस्बैंड थे घर पर, फिर मेरे घर आने के बाद ही वो ऑफिस गए। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से नव और निया को लेकर डॉक्टर के पास। मैंने आपको बताया था कि हमें डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। और वैसे भी डॉक्टर ने जब मेडिसिन दिया था तो बोला था कि फॉलोअप चेकअप के लिए फिर से 6 दिन बाद आना ही है, तो हम लोग उसके लिए भी जा रहे हैं। घर आने के बाद बस ऐसे ही लगा हुआ है, पहले क्लीनर आया फिर कुक आई। एक्चुअली हमारे घर पे क्लीनर और कुक मेरे हस्बैंड ने हमारे दुबई आने से पहले ही रखा था, तो उस टाइम से वो है। लेकिन अभी क्या है ना, जो कुक है वो खाना बनाती है, पहले तो उनका खाना ठीक होता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह डालने लगी है, बिल्कुल जल्दी जल्दी में बना के जाती है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से ना हमारी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मेरी भी तबीयत इस बीच में बहुत ख़राब थी। अभी भी मैं डॉक्टर से मिल के आई, तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना होगा। तो वही चीज़ है, मुझे ऑयल स्पाइसेस वगैरह मना किया गया है। अब जो कुक आती है वो इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करती है, अब मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, मैं खुद से भी बताती हूँ, फिर भी मेरे जाने के बाद वो ऑयल एक्स्ट्रा डाल देती है। पता नहीं उनको लगता है कि शायद ज़्यादा ऑयल डालने से खाना अच्छा बनता है, मालूम नहीं क्या है, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। और अभी क्या है ना कि हम लोग बच्चों को भी अपना खाना देने लगे, लाइक बच्चे हमारे प्लेट से आके खाना शुरू कर देते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑयली खाना और इतना ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाना हम उनको नहीं दे सकते, तो मुझे अलग से ऐसे भी बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ बच्चों के लिए। वैसे तो बच्चों का खाना पूरा अलग बनता है, लेकिन बच्चे हमारे साथ खा सके इसलिए भी मुझे अलग से कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि जो कुक बना के जाती है वो खाना तो हम लोग बच्चों को नहीं दे सकते। और क्या होता है, अगर मैं इतनी देर कुकिंग करने जाती हूँ तो किचन में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और उतनी देर बच्चे बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि जो बेबी सीटर है वो अगर नव को पकड़ती है तो निया रोने लगती है, और निया को पकड़ती है तो नव रोने लगता है। अगर मैं किचन में काम भी करती हूँ तो इन दोनों को मैं जहाँ पे ये दोनों खेलते हैं वहाँ से मैं दिख जाती हूँ आसानी से, तो ये दोनों रोने लगते हैं मुझे देख के। और मैं भी जितनी देर किचन में काम करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान इन दोनों पे ही लगा रहता है, क्योंकि अकेले जो बेबी सीटर वो दोनों को नहीं संभाल सकती है, और मेरा पूरा ध्यान इसी पे लगा रहता है, कहीं ये नीचे से उठा के कुछ ना खा लें, कहीं मुंह में कुछ ना डाल लें, कहीं चोट ना लग जाए। वैसे तो मैंने सारे छोटे टॉयज हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कहीं कुछ उठा के मुँह में ना डाल लें, तो इसी कारण से मैं खाना बनाने पर भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और मेरा मन भी नहीं लगता है किचन में ज़्यादा, क्योंकि ध्यान हमेशा इन दोनों पे होता है। हाँ, जब इनके पापा घर पे होते हैं तो फिर मैं टेंशन फ्री होती हूँ, पापा इनके रहते हैं साथ में, बेबी सीटर रहती है, तो वो दोनों देख लेते हैं दोनों को, तो फिर मैं उतना टाइम किचन में रह सकती हूँ। इन दोनों को अकेले बेबी सीटर के साथ छोड़ देना, फिर उसमें मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मुझे पता है वो अकेले दोनों को एक साथ नहीं देख सकती है, तो बस यही है। लेकिन अभी हेल्थ के इशूज़ इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है डाइट पर ध्यान देने के लिए, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे टाइम निकाल कर कुकिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम किचन में देना होगा। क्योंकि मेरा क्या और मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, मैं रात का बचा खाना भी खा सकती हूँ, मेरे खाने में इतना कुछ नहीं, मैं मैगी भी खा सकती हूँ, बहुत मतलब मेरा फ्लेक्सिबल रहता है, कि मैं ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल इस टाइम में यही खाना चाहिए। मेरे हस्बैंड का भी ऐसा है कि उनको भी ऐसा नहीं कि वो रात का खाना नहीं खा सकते, या फिर जो मिल जाए वो वही खा लेते हैं, लेकिन जो बेबी सीटर है वो तो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम लोग लेकर आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको टाइम पे खाना देना, तो उनके लिए हमें सोचना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा कुछ इतना इशू नहीं होता है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कुकिंग भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट तक जागती हूँ बच्चों की वजह से, बच्चे बहुत लेट तक जगे रहते हैं, तो मुझे भी जागना पड़ता है, और लेट तक जागने की वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। अब अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, जिस टाइम में उठती हूँ उस टाइम में क्लीनर आ जाता, तो उस टाइम में किचन में जाकर काम करना पॉसिबल नहीं है, और फिर बच्चे उठ जाते हैं तो उनमें लग जाओ,
तो कुकिंग नहीं हो पाती है टाइम पे। अब अगर कुकिंग टाइम पे नहीं हो पाएगी तो फिर बाकी लोगों को टाइम पे खाना भी तो नहीं मिलेगा ना, तो यही प्रॉब्लम होती है। मैं तो जैसे तैसे भी एडजस्ट कर लूँ, लेकिन बेबी सिटर को तो टाइम पे खाना चाहिए ना। बस यही बात है, अभी देखती हूँ कैसे क्या मैनेज करूँगी, मालूम नहीं। अभी कल तो बेबी सिटर भी जा रही है इंडिया कुछ दिनों के लिए, 5 से 7 दिनों के लिए वो जा रही है। और अभी हस्बैंड भी इस बीच में 1 वीक पूरा बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि उनके भी मीटिंग्स वगैरह हैं। तो मालूम नहीं कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी हेल्प नहीं है, अभी दोनों को मुझे अकेले देखना है। और ये दोनों अभी इस एज में आ गए, इतनी ज़्यादा शरारत करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, इनको पकड़ के खिलाना पड़ता है, और इनको बाहर भी जाना होता है, और कुछ भी उठाकर मुंह में रख लेते हैं, तो हमेशा इनको देखना पड़ता है। तो अभी अब जब कल बेबी सिटर चली जाएंगी तो मुश्किल होगी वो, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद वापस आ जाएगी। तो आज हम लोग शाम में एक्चुअली हॉस्पिटल से आने के बाद ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं आती तब तक मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों शॉपिंग पे नहीं जा सकते इस तरह कुछ भी ख़रीदने के लिए। ग्रॉसरी वगैरह के लिए मुझे ही जाना होता है साथ में हस्बैंड के, क्योंकि सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ क्या लेना है नहीं लेना है। अब दोनों बच्चों को लेके हम दोनों तो नहीं जा सकते, बच्चे बहुत परेशान करते हैं वहाँ पे, तो साथ में कोई एक चाहिए होता है। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद ऐसे नहीं करेंगे, जब ये समझने लगेंगे चीज़ों को तो शायद इतनी शैतानी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो करते हैं। अभी हर चीज़ को इन्हें गिराना होता है, हर चीज़ को टच करना होता है, तो हम दोनों इन दोनों को लेके साथ में ग्रॉसरी शॉपिंग करने तो नहीं जा सकते हैं। और अभी कुक आई हुई है, वो खाना बना रही है, और निया वहीं पर खेल रही है। निया को खेलना बहुत अच्छा लगता है किचन में। एक्चुअली जो कुक आती है हमारे यहाँ, उनके साथ ऐसा हो गया है कि हम उनको डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते कि नहीं अभी मैं खुद से कुकिंग कर लूँगी, या फिर अब आप रहने दो, ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा ऑयली खाना खाना और इतना ज़्यादा स्पाइसेस खाना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और उनका क्या है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो स्पाइसी बनाएंगी और वो ऑयल डालेंगी, तो ऐसा ही है। अभी मालूम नहीं कैसे होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं चलने वाला है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा, तो मुझे बहुत कंट्रोल करना होगा इन सारी चीज़ों पे। मैं जब इटली में थी तो कुकिंग मेरा पैशन था, मैं सारी चीज़ें घर पे खुद ही बनाती थी। वहाँ तो वैसे जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं थे, एक ही था, आसपास में भी नहीं था, वो दूर ही था। और प्रॉपर मिलान में तो थे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, लेकिन हमारे घर के आसपास नहीं था। और वैसे भी मैं सारी चीज़ें घर पे खुद ही बना लेती थी, तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे कभी किसी का खाना भी अच्छा नहीं लगता था, घर के लोगों का खाना अच्छा लगता था। लाइक अगर कोई घर में बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं या फिर मदर इन लॉ बनाती है, तो उनके हाथ का खाना अच्छा लगता है। इवन मेरे हस्बैंड जो खाना बनाते हैं वो भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इनफैक्ट मैं जो खाना बनाती हूँ मुझे उससे अच्छा तो मेरे हस्बैंड जो बनाते हैं वो खाना लगता है। और मेरे हस्बैंड चिकन भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें खाना बनाने के लिए कोई कुक रखनी पड़े, लेकिन अभी सिचुएशन अलग हो गई है। नवनिया के आने के बाद बहुत चीज़ें बदल गई है, काफ़ी चीज़ें बदल गई है। जो चीज़ें हमने लाइफ में कभी नहीं की वो सब अब हम कर रहे हैं। तो यही है, मजबूरी में हम लोग खा रहे थे ऐसा खाना, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। अभी तो देखती हूँ कैसे मैनेज करूँगी। जब नवनिया स्कूल जाने लगेंगे तब तो मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा, मतलब 3 से 4 घंटे शुरू में तो मिलेंगे, तो उतना तो मेरे लिए काफ़ी है ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। लेकिन अभी बस यही होता है कि अगर ये थोड़ी देर भी मुझे नहीं देखते हैं तो रोने लगते हैं, या फिर इनको लग गया कि मैं घर में ही हूँ, मैं किचन में हूँ लेकिन इनके आसपास नहीं हूँ, तो ये काफ़ी रोते हैं। तो बस यही बात है। और जिस टाइम ये दोपहर में सोते हैं उस टाइम में मैं अगर कुकिंग करने जाऊँ तो लोगों को शाम में दिन का खाना मिलेगा। अभी हमारे यहाँ भी खाना ऑलमोस्ट बन ही गया होगा, तो अभी हम लोग खाएंगे खाना और नवनिया भी अभी खाना खाएंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे, फिर शाम में आने के बाद बाहर जाएंगे। चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।
देखा आपने, यही होता है मेरे घर में डेली। बच्चे बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहते, इतना रोते हैं खाना खाने के टाइम। अभी हम लोग भी जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे। आज हमारे यहाँ बना है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज बना है हमारे यहाँ मटर पनीर, राइस, चपाती और दाल। मैं भी अभी जा रही हूँ खाना खाने। अभी 8:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकलेंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो जो डेली का सामान होता है लाइक दूध, दही, ब्रेड, अंडा, ये सब तो जस्ट नीचे मिलता है। इस बिल्डिंग के नीचे ही सुपरमार्केट है, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। लेकिन जो बाकी के सामान होते हैं, जो हम लोग महीने भर का लेकर आते हैं या 15 दिन का, जैसे चावल, दाल, ये सब और भी बाकी की चीज़ें हैं, वो तो हम लोग साथ में जाकर लेके आते हैं। काफ़ी भारी होता है, तो मतलब हम लोग साथ में जाते हैं तब एक बार में लेकर आते हैं। हम लोग हॉस्पिटल से आने के बाद काफ़ी थक गए थे, तो आकर ही सो गए थे। और उठने के बाद चाय वाय पिया, थोड़ा बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया, इधर उधर खेला वाला। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी भी ये लोग खेल ही रहे हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। नियाना बाय।
हमारी शॉपिंग हो चुकी है अभी अभी हम लोग घर जाएंगे क्योंकि बच्चे भी रोने लगे हैं। हम लोग घर वापस आ गए हैं और इतना सारा सामान फैला पड़ा है, इन सबको इनकी जगह पे भी अभी रखना है। ये तो अभी सोने वाले नहीं है, अभी खेलने के मूड में है। अभी ये खाना खाएंगे उसके बाद खेलेंगे, अभी भी खेल ही रहे हैं। देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, देखिए इन लोगों को कितनी खुशी मिल रही है ये सब करने में। लग रहा है जैसे क्या मिल रही है। कुछ सामान हमने कैरेफोर से ख़रीदा है और बाकी का ये सारा सामान हमने एक इंडियन सुपर स्टोर है मधुर मीना बाजार में उससे ख़रीदा है ये सारी तो अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।